पर्यावरण को लेकर भिवानी में एक अनूठी पहल की गई। जीरे भर में मिनी जंगल तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए युवाओं, समाजसेवी संस्थाओं व पंचायतों का भी विशेष सहयोग लिया जाएगा। आपको बता दें कि उपायुक्त अजय कुमार ने हनुमान जोड़ी धाम नरसिंह मंदिर परिसर में जंगल अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सब नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। शुद्ध हवा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर, आंगन या आसपास परिवेश में पौधारोपण जरूर करना चाहिए। पौधारोपण के साथ उसका संरक्षण भी जरूरी है। बता दें कि सामाजिक संस्थाएं युवा जागृति एवं जनकल्याण मिशन ट्रस्ट व नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति के तत्वाधान में वन महोत्सव पखवाड़े के तहत जंगल अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि जिले भर में हजारों पौधे रोपण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जिले में मिनी जंगल तैयार होंगे, जिसके लिए युवाओं, समाजसेवी संस्थाओं व पंचायतों का भी विशेष सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में प्रत्येक जागरूक नागरिक, सामाजिक संगठनों व स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग जरूरी है। वहीं इस दौरान महंत चरण दास महाराज ने जंगल अभियान के तहत 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरे करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन को संरक्षण देने में बहुत जरूरी है। यदि हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इस जमीन पर प्रथम चरण में 500 पौधे एवं आने वाले समय में 500 और पौधे लगाए जाएंगे। उनको देखते हुए जो गर्मी का इतना बड़ा माहौल है, तो जल और जंगल और जमीन को बचाने की जो हम सब ने एक पुरजोर कोशिश करनी है, तो हमने एक अभियान की शुरुआत की है। पखवाड़ा कार्यक्रम आज से माननीय हमारे उपायुक्त महोदय अजय कुमार जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, और हमने भी ये एक लोगों को एक रथ के माध्यम से जानकारी दी है। लोगों को मतलब एक जन जागरण अभियान चला करके समझाया है कि अपनी जो प्राचीन परंपरा है जंगलों की है, जल को बचाने की है और जमीन को ठीक करने की है, ताकि हम इसका हमें फ़ायदा हो। हम कुछ करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारे उपायुक्त महोदय ने आज आकर के हमें एक प्रोत्साहन दिया है, हमारे आगे हौसला बढ़ाया है, हमारे लोगों में इस प्रकार की एक जो है प्रेरणा दी है कि ताकि लोग सब प्रकृति से, पर्यावरण से जुड़ करके पौधा लगाएं और पौधा लगा करके उसका पालन करें, उसका पोषण करें, उसको बड़ा करें, ये सब के लिए ज़रूरी है। बेसिकली पौधारोपण का जो कार्यक्रम सरकार द्वारा हर वर्ष किया जाता है, उसी के तहत इस बार भी जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जो विभिन्न स्कीमों के तहत पौधारोपण करते हैं, तथा साथ ही जो एनजीओ हैं इस क्षेत्र में एक्टिव हैं, उन सबको बुलाकर एक बैठक की गई। एंड इसमें यही तय किया गया कि जितने भी हम पौधे लगाएं उसका प्रॉपर संरक्षण हो और उनके विकास पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए, ताकि जो भी इसमें अपने मन से, श्रद्धा से एक्टिव लोग हैं वो जुड़ें और पौधों की देखभाल करें। सिमिलरली एट द सेम टाइम ये भी डिसाइड किया गया कि कुछ हमारे शहर के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो बड़े पैचेस हैं लैंड के, वहाँ पे ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाएं और उसको एक मिनी जंगल की तरह कन्वर्ट किया जाए। इसी उपलक्ष्य में आज हनुमान जोड़ी में जो है पौधे लगाए गए, और सिमिलरली हम ये हमारा जो सेक्रेटरीट का एरिया है, इसके अतिरिक्त हमारे कुछ पंचायतें भी इसमें आगे आई हैं, वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी में हम जो पौधारोपण करेंगे और इसी तरह से जो स्मॉल स्केल पे मिनी जंगल हैं वो क्रिएट करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.